हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दनिसराय टी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों हम नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। आपकी जो भर्ती है दोस्तों मध्य प्रदेश में निकाली गई है, जिसमें आपके पद रहने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहेगा, दूसरा आपका रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद रहने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों 21 फरवरी को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रिलीज यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करना है आपको अप्लाई और कहां पर आपको ये होने वाला है। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को स्क्रैप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लें, यहां पर दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम चलते हैं और देख लेते हैं कहाँ की इन्फॉर्मेशन निकली हुई। हमने कल ये नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड, ये नोटिफिकेशन आपको 20 फरवरी को यहाँ पर रिलीज यहाँ पर किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भर्ती रहेगी वो रहेगी यहाँ पर, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहने वाली है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी नियुक्ति की जानी है। आपका दोस्तों इसमें जो चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन आप किया जाना है। और इंटरव्यू कब होना है तो आपको इंटरव्यू देखिए बताए, तो आपको डेट किस डेट को आपको इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर चलते हैं हम, ये रहेगा आपका फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, ये रहेगा फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले वो ये आवेदन फॉर्म भरें। तो यहाँ पे आप लोगों को पद का नाम लिखना पड़ेगा, किस पद के लिए आप आवेदन करोगे, ठीक है। माल तो मैं भरूंगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे आपके 10वीं 12वीं जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उनके बजाएंगे, नाम आ जाएंगे, उत्तीर्ण आ जाएगा, ठीक है, नाम आ जाएंगे, विषय के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे आपने यदि काम किया कहीं ना कहीं तो अनुभव जाएगा, नहीं तो आपको नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉलेज किस में हिंदी इंग्लिश क्या आती है वो आप डालना पड़ेगा, आपका निवास का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये वाला फॉर्म आप लोगों को भर के समस्त डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल प्लस कॉपी, यहाँ पर उन्होंने बता दिया, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके पश्चात यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए जो वैकेंसी तो श्री PM केंद्रीय विद्यालय क्रमांक इंदौर से ये भी निकाली गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को हम बात कर लेते हैं योग्यता की और आपको कब आपको पहुँचना है। देखिए हम बताए थे पहला रहेगा आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ की दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है और ओनली आप लोग 10वीं पास यहाँ पर मांगा हुआ है। आपको हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। और दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है 28 फरवरी को आपको किया जाना है, आप लोगों को सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट लेकर, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये रहेगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका रहने वाला है और यहाँ पे आप लोग 12वीं पास हैं दोस्तों, ठीक है, प्लस आपको टाइपिंग का नॉलेज है, जैसे आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 पर मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और हिंदी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यदि मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, यदि, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट मेडिकल का, ठीक है, तो नहीं लिया जाएगा उसका, ठीक है। इसकी हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो 19,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है और इन आवेदकों का भी 28 फरवरी को सुबह 9 बजे आपको पहुँच जाना, इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख ले PM केंद्रीय विद्यालय से निकाला गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग फॉर्मेट ये दे दूंगा मैं और आप लोगों को पहुँच जाना है यहाँ पर PM केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। इसका जो एड्रेस दिया हुआ है रेसिडेंसी क्लब रोड, ठीक है, 9 लखा चिड़ियाघर के पास इंदौर, ये पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। ओके दोस्तों थैंक्स, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और भी वैकेंसी निकली हुई हैं, लेकिन अपन ने आपको जो मेन चीज़ बता दी मैंने आपको वो यहाँ पर बता दी है। ओके दोस्तों थैंक्स।